तो राम राम भाई सभी को। आज की हमारी वीडियो होने वाली है नौकनी के ऊपर। तो आज हम डिस्कशन करेंगे नौकनी होता क्या है और इससे होने वाली परेशानियां क्या हैं और इसे ठीक कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। तो भाई आज अभी हम आपको बताने वाले हैं नौकनी होता क्या है। तो जैसे कि आप लोग मेरी ये टांगें देख सकते हो कुछ इस तरह से, मतलब कि मेरे में तो खैर यहाँ पे जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये सब में नहीं होता है। कुछ लोगों का घुटना सटता है और कुछ लोगों का मतलब कि भाई पूरा चिपक जाता है। तो आइए हम मतलब कि आपको बताते हैं इसे ठीक कैसे करते हैं। तो इसके कुछ एक्सरसाइज हैं जिसे हम मतलब कि हर रोज़ अगर अपने डेली रूटीन में अगर लाएं तो इससे नौकनी हमारी ठीक हो सकती है। और तो ये होने वाली हमारी पहली नौकनी की एक्सरसाइज जो कि है साइड टू साइड लेग स्ट्रेचिंग। तो इसको कुछ इस तरह करेंगे भाई। तो भाई ये एक्सरसाइज होगी हम सब की 15 रेपिटेशन की और 3 सेट कम से कम। तो अब मैं बताने वाला हूँ नौकनी की दूसरी एक्सरसाइज जो कि कुछ इस तरह परफॉर्म होगी भाई। पहले आपको मतलब कि अपने हाथ को इस तरह बांध लेने का है, उसके बाद हाथ को इस तरह क्लोज लाने का है, उसके बाद अपने पैरों पे को भी इस तरह क्लोज करिए और जब नीचे जाएंगे तो ये जो दोनों हाथ है ना आपके इसके बीच में आने चाहिए, ना ही बाहर जाने चाहिए। और टांगें बाहर की ओर खुलेंगी कुछ इसी तरह से। हम इसका भी 15 सेट रेपिटेशन निकालेंगे और 3 सेट के साथ। हमारी तीसरी एक्सरसाइज होने वाली है जो कि है स्ट्रेचिंग, जो कि आप अपने पैर को कुछ इस तरह ऊंचाई वाले वस्तु पे या जगह पे रखेंगे और फिर अपने स्ट्रेचिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहले कुछ इस तरह से हम अपना स्ट्रेचिंग परफॉर्म करने वाले हैं। इस पर आपको 15 रेपिटेशन और 3 सेट निकालना है। तो भाई हमारी चौथी एक्सरसाइज होने वाली नौकनी के लिए जो कि वो भी स्ट्रेचिंग ही है। तो कुछ इस तरह आपको जो भी स्थान मिले, फिलहाल मैं तो ग्राउंड से बाहर हूँ, वो भी ग्राउंड ही है ये भी ग्राउंड। तो कुछ इस तरह आपको मतलब कि बटरफ्लाई परफॉर्म करना है 15-15 के 3 सेट जैसा सभी रहा है। तो आप बाहर की तरफ इसको जितना स्ट्रेच कर सकें उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो कुछ इसी तरह से भाई हम सब परफॉर्म करेंगे। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलते हैं भाई, राम राम।